गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क। प्रीवियस लेक्चर में हम हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी कर चुके हैं और उसके बारे में हमने साइन कन्वर्जन भी स्टडी किया था, ठीक है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है ना। तो यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? यूनिट तो वैसे आपकी कैलोरी भी होती है इसकी, जूल भी होती है, अर्ग भी होती है और लीटर एटीएम भी होती है, ठीक है। कैलोरी को यहां पर डिफाइन किया गया बच्चों, यहां पर द क्वांटिटी ऑफ हीट, ओके, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस हमें कितने तक रेज करना है? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। यानी कि किसी भी 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी। क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको? 1 कैलोरी बोलते हैं। तो कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी की जो वैल्यूज होती है जूल्स में वो होती है आपके 4.184 जूल होती है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम उसको अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन पर्पस इससे क्या हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसीलिए हम यहां पर 4.2 यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर देखिए यूनिट का कन्वर्जन दे रखा है, हीट और वर्क की जो यूनिट है वो लीटर एटीएम भी होती है, जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है, अर्ग भी होती है बच्चों, ठीक है। तो 1 लीटर एटीएम इक्वल होता है 101.35 जूल होता है, वही 1 लीटर एटीएम होता है 24.206 कैलोरी और 101.3 × 10⁷ अर्ग में होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी डिफरेंट यूनिट्स हैं वर्क एंड हीट की। इसमें बच्चों कुछ कभी कभी क्या ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि ये जो यूनिट्स हैं इन यूनिट्स में ऑर्डर क्या है। तो 1 लीटर एटीएम इज ग्रेटर देन 1 कैलोरी और 1 कैलोरी इज ग्रेटर देन 1 जूल और 1 जूल इज ग्रेटर देन 1 अर्क, ठीक है। ये ऑर्डर है, थोड़े से ऑर्डर को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर इंटरनल एनर्जी। क्या है आपकी इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यहां पर कैपिटल ई या कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम किससे शो करते हैं? कैपिटल ई और कैपिटल यू, कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी यहां पर क्या बच्चों? इट इज अ सम ऑफ डिफरेंट एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या है? ये डिफरेंट एनर्जी का सम होता है, ठीक है, एसोसिएट विथ इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड डिफरेंट टाइप की एनर्जी का सम होता है इंटरनल एनर्जी। तो किसी एटम या मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड एनर्जी, डिफरेंट टाइप की एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है? एक तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में आपके कौन कौन से हो सकती है? जैसे ट्रांसलेटरी एनर्जी है, रोटेटरी एनर्जी है, वाइब्रेटरी एनर्जी है, ये सब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का टाइप्स है ये, ठीक है। और कौन सी एनर्जी हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप की एनर्जी है जो कि किसी एटम या मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होती है, और इन डिफरेंट टाइप की एनर्जी का सम ही आपके क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके इंटरनल एनर्जी जो कि मैंने ई से डिनोट किया, यू से भी कर सकते हो आप, इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। पीई पोटेंशियल, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो ये इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन हुई बच्चों। इंटरनल एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है जो कि किसी भी सिस्टम की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है बच्चों आपके।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपकी इंटरनल एनर्जी के बारे में, कि वी कैन नेवर फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, हम किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, तो वी कैन ओनली कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं तो बच्चों ये कौन सा फंक्शन हुआ, स्टेट फंक्शन हुआ, ठीक है, न कि पाथ फंक्शन। ठीक है, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं किसी सिस्टम की बाय यूजिंग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि इंटरनल एनर्जी को हम किससे मेजर करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर की जाती है बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपकी क्या है, वॉल्यूम को क्या किया जाता है, कॉन्स्टेंट किया जाता है और इंटरनल एनर्जी को निकाला जाता है। ठीक है ना, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब निकाल सकते हैं, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपकी जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरनल एनर्जी क्या बच्चों, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, जो कि फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट। ओके, तो यहां हम इस तरह से फाइनल और इनिशियल कर सकते हैं। अगर रिएक्शन का केस अगर स्टडी किया जाए, रिएक्शन में तो क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट होता है इनिशियल और प्रोडक्ट होता है आपके क्या, फाइनल। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, तो डेल्टा ई इक्वल ई पी माइनस ई आर इन केस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अब बच्चों क्या देखो, डेल्टा ई जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव कब होगी, जब फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी इनिशियल से। क्लियर बेटा ये? ठीक है, और आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होगी, जब फाइनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी फाइनल कम होनी चाहिए इनिशियल से, तब आपकी डेल्टा ई नेगेटिव होगा बच्चों। क्लियर बेटा आपकी? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों आपके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। टॉपिक का नेम क्या बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लॉट भी बोलते हैं, FLOT, एफ यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपकी एक साइंटिस्ट ने बताया था, और वो साइंटिस्ट का नेम है रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज़। ठीक है, रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज़ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया था बच्चों। देखिए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है बच्चों, आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है, बेस्ड है। ठीक है, तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप बचपन से स्टडी करते हुए आए हो, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी को ना तो भाई क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनर्जी को क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, या एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो यही हमने स्टडी किया था बचपन से आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बच्चों। ठीक है ना, तो हम यहां थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड वॉज गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज़। ठीक है, इसमें क्या बोला था इन साइंटिस्ट मेयर साहब और हेल्महोल्ट्ज़ ने, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनोदर। ठीक है, ये है आपकी फ्लॉट। ठीक है,
और क्या कहा था कि द टोटल एनर्जी ऑफ द, जब ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, तो इट मींस क्या हुआ बच्चों, यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व है, यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है ना। ओके, तो द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि दैट इज टोटल टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व, ठीक है ना। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, ऑलवेज कंजर्व होगी, ठीक है ना, क्योंकि ना तो एनर्जी क्रिएट हो रही और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो रही, तो वो एनर्जी तो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी बच्चों, ठीक है। तो फ्लॉट के अकॉर्डिंग या फ्लॉट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, डेल्टा ई इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई क्या है यहां पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसका सम होती है, हीट और वर्क का सम होती है बच्चों, ठीक है। यहां पर जो हीट है और जो वर्क है वो बच्चों क्या है, पाथ फंक्शन है, जो कि पाथ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, स्टेट पर डिपेंड नहीं करते, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ये पैरामीटर्स डिपेंड नहीं करते, यानी कि ये क्या है बच्चों, पाथ फंक्शन है। और जो एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों, वो क्या है आपके, स्टेट फंक्शन होती है, क्या होती है, स्टेट फंक्शन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर साइन कन्वर्जन का अगर स्टडी किया जाए तो बच्चों यहाँ पर हीट किस फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में है, ठीक है। तो इट मींस क्या है, हीट जो है वो सिस्टम को दी जा रही है, उसको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना, इसीलिए साइन कन्वर्जन पॉजिटिव है। और जो वर्क है वो सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसीलिए यहां पर ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपकी किसका सम होती है, हीट गिवन टू द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम के इक्वल होती है बच्चों, ठीक है। तो द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ फ्लॉट कैन बी एक्सप्रेस, डेल्टा ई इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर क्यू डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन एंड ई इज स्टेट फंक्शन, ठीक है। हियर क्यू इज द एनर्जी गिविंग टू द सिस्टम, इसीलिए बच्चों इसका साइन कन्वर्जन क्या है, पॉजिटिव। एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसलिए इसका साइन कन्वर्जन पॉजिटिव है। और डेल्टा ई क्या बेटा आपके, इट चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसका एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, ठीक है ना, फ्लॉट को हम कहाँ कहाँ अप्लाइड करते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका फ्लॉट में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, यानी कि इनका रिलेशन है वो हम स्टडी करेंगे आपस में, फ्लॉट का यूज करते हुए, ठीक है ना। फ्लॉट का यूज करते हुए हम इसका एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, आपके आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक प्रोसेस में, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके एप्लीकेशंस ऑफ फ्लॉट, ओके, थैंक यू।